तो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर वन, ऑब्जेक्टिव में, इफ टू ऑफ द जीरोज ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, क्वेश्चन भी लिख देता हूं, सबके पास पीडीएफ तो होगी। इफ टू ऑफ द जीरो ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, तीन में से दो अगर जीरो है, देन इट डज नॉट हैव द टर्म विथ एक्स एंड कॉन्स्टेंट टर्म, बराबर कॉन्स्टेंट टर्म, मतलब कि अगर दो जीरो, तीन में से दो जीरो है जो जिसका वैल्यू जीरो है, तो इट डज नॉट हैव द टर्म एक्स के साथ का टर्म और कॉन्स्टेंट टर्म नहीं है, ऐसा बोलते हैं। देखो क्यूबिक आपका है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, खास समझने की कोशिश करो, राइट, ये सम को बड़ा है, मान लो कि दो जीरो है इसके, बराबर दो जीरो है, तो पहला जीरो अगर अल्फा जीरो लेते हैं तो आपको पहला जीरो ले ले तो ए इंटू जीरो क्यूब प्लस बी इंटू जीरो स्क्वायर प्लस सी इंटू जीरो प्लस डी इक्वल टू जीरो, मतलब के आपका डी कितना आ गया, जीरो, आपका डी कितना आ गया, जीरो। हाँ, ट्रू स्टेटमेंट है सार्थक, बट मुझे इनको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, यू आर राइट। अब अल्फा जीरो लेने से आपका डी जीरो आ गया, तो आपका जो ये इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी के बदले में क्या रखूं, डी के बदले जीरो इक्वल टू जीरो। अगर आप देखेंगे तो इसमें एक्स कॉमन है सभी में, राइट, एक्स कॉमन, तो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो आया, तो आपका एक्स बन गया जीरो। तो अभी अल्फा के बदले दूसरा जीरो जो बीटा जीरो लेते हैं, खास समझ लेना, पहला दो जीरो है, टू ऑफ द जीरोज आर जीरो, एक तो ले लिया अल्फा, अल्फा बीटा एंड गामा, इसमें से दो जीरो है तो अल्फा जीरो तो डी जीरो हुआ, अब बीटा जीरो तो पी ऑफ जीरो इक्वल टू, ये आपका इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो में, अब ए इंटू जीरो द स्क्वायर प्लस बी इंटू जीरो प्लस सी इक्वल टू जीरो, मतलब के जब अल्फा आपका जीरो था तो डी जीरो था, और बीटा दूसरा जीरो हुआ तो आपका सी जीरो हुआ। अब आपके क्यूबिक इक्वेशन में खास देखो, राइट, डी जीरो है सी जीरो है, और उसने क्या बोला है, इफ टू ऑफ द जीरोस ऑफ ए क्यूबिक पॉलिनोमियल आर जीरो, मतलब के अल्फा एंड बीटा आर जीरो, देन इट डज नॉट हैव द टर्म, देखो इट डज नॉट हैव द टर्म विद एक्स, क्यों नहीं है, क्योंकि सी जीरो है एंड कॉन्स्टेंट टर्म डी, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, क्योंकि आपका डी भी जीरो है और सी भी जीरो है, मतलब कॉन्स्टेंट टर्म भी नहीं है और एक्स का कोएफिशिएंट भी नहीं है, हेंस द स्टेटमेंट इज ट्रू, बराबर। अब क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू देखो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो हैज नो रियल रूट्स, तो चेक करते हैं, क्वाड्रेटिक का जो वीडियो भेजा है वो सबको देखना है कंपलसरी, जितने भी है राइट वो खास देखे। अब देखो डी डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, जो लोग देखेंगे उनको ही पता चलेगा, ये बी का कोएफिशिएंट वन है, ए का कोएफिशिएंट भी वन है और सी का कोएफिशिएंट भी वन है, तो वन माइनस फोर माइनस थ्री विच इज लेस देन जीरो, जिन लोगों ने वीडियो देखा है उनको ही समझ में आएगा, अगर माइनस थ्री इज लेस देन जीरो मतलब के नो रियल रूट्स, राइट, नो रियल रूट्स, तो आपका स्टेटमेंट क्या है, ट्रू, आपका स्टेटमेंट है ट्रू, पहला वाला भी ट्रू दूसरा वाला भी ट्रू। बीच में एक पेपर में मैंने समझाया था बराबर, बट लास्ट में लिखते वक्त राइट फॉल्स कर दिया था, जो आंसर ट्रू था पेपर नंबर टू का, आई थिंक क्वेश्चन नंबर टू,
इसमें ऐसा था। अब ऐसा लिखा था, अगर जिन लोगों ने वीडियो देखा था, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी इज नॉट राइट, दैट मींस ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो मतलब कि ट्रू आना चाहिए, पर जल्दी जल्दी में राइट मैंने फॉल्स कर दिया था, तो वो खास आप नोटिस कर ले। अब क्वेश्चन थ्री, फॉर एन एपी, फॉर एन एपी राइट द कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कैन बी, कैन नेवर बी जीरो, कैन नेवर बी जीरो। तो ये स्टेटमेंट आपका फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? अगर आप देखेंगे तो ये भी एपी है, अपने एग्जांपल में देखना, थ्री थ्री थ्री, देखो कॉमन डिफरेंस आपका कितना है, जीरो। इवन देन इट इज एन एपी। तो ये आपका राइट स्टेटमेंट जो है, फॉर एन एपी कॉमन डिफरेंस कैन नेवर बी जीरो, तो वो फॉल्स है, हो सकता है जीरो। फाइव कॉमा फाइव कॉमा फाइव, ए कॉमा ए कॉमा ए, बी कॉमा बी कॉमा बी, तो ये सभी के सभी इसके डी जीरो हो सकता है, डी जीरो हो सकता है, मतलब स्टेटमेंट आपका क्या हो गया। अब हम लोग चलते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट अमंग ऑल, क्वेश्चन नंबर फोर के लिए, बराबर, जो काफी अच्छा है। तो क्वेश्चन फोर के लिए तैयार है, ये आपको थोड़ा 11-12 बेस समझाने पड़ेगा आपको राइट, 11-12 बेस खास समझना। क्वेश्चन फोर ऐसा है, वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा, वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा कैन बी ए प्लस वन अपॉन ए, वेयर ए इज अ पॉजिटिव नंबर, पॉजिटिव नंबर एंड ए इज नॉट इक्वल टू वन, मतलब पॉजिटिव भी है और ए वन भी नहीं है, दैट मीन्स जो भी वैल्यू है वो आगे है। तो हम लोग यहां पे इसका देखेंगे, आपको 10th स्टैंडर्ड में ऐसा है, जीरो इज लेस देन साइन थीटा इज लेस देन और इक्वल टू वन, बट जैसे ही आप अगले स्टैंडर्ड में जाएंगे, खास देखो, तो ये आप लोग देखेंगे स्टैंडर्ड 11 में, माइनस वन भी उसको पाई, टू पाई, थ्री पाई, ऐसे सर्कल में, जब अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, अगले साल ट्रिगोनोमेट्री में होगा तो आपको समझ में आएगा, बराबर। फिर भी मैं आपको ये लेकर ही समझा देता हूं, योर वैल्यू ऑफ जीरो अगर टेबल से देखोगे तो साइन जीरो जीरो एंड साइन 90 आपका वन होता है, इंक्रीजिंग ट्रेंड। अब हमको तो वैल्यू किसकी चाहिए, टू साइन थीटा, मतलब जीरो मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू मल्टीप्लाइड बाय टू, मतलब कि आपकी वैल्यू जीरो और टू के बीच में है। तो देखते हैं ए प्लस वन अपॉन ए दैट इज इक्वल टू टू लेके देखते हैं, वैल्यू ऑफ टू साइन थीटा कैन बी ए प्लस वन अपॉन ए है कि नहीं, अगर है और ए पॉजिटिव है तो ए इज नॉट इक्वल टू वन है कि नहीं वो चेक करेंगे, बराबर। अब एलसीएम लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए इक्वल टू टू, ये आपको बराबर समझ लेना है, ए स्क्वायर प्लस ए इक्वल टू टू ए, मतलब के ए स्क्वायर माइनस टू ए प्लस वन इक्वल टू जीरो, मतलब कि ये परफेक्ट स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर मतलब ए माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ये अगर आपको पता नहीं है तो ये ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर की फॉर्मूला से आता है, ए माइनस बी द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, बराबर, ए माइनस वन द होल स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो ए माइनस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां पे तो ए इक्वल टू वन आया, बट उन लोगों की कंडीशन क्या है, ए इज नॉट इक्वल टू वन, हैंस स्टेटमेंट इज फॉल्स, स्टेटमेंट इज फॉल्स। भाई जो भी खाते खाते देख रहे हैं वीडियो, बर्तन नहीं गिरा है प्लीज। तो ये आपका ट्रू एंड फॉल्स कंप्लीट हुआ। अब मैं चलता हूं क्वेश्चन नंबर फाइव पे। फाइव में क्लास फ्रीक्वेंसी 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और 50 to 60 आपका फ्रीक्वेंसी है 12, 18, 25, 15 और 10।
इन लोगों ने मीडियन का क्लास पूछा है, मीडियन का क्लास बराबर एज यू गॉट पेपर सम ऑफ यू आर वेरी स्मार्ट लाइक सार्थक निधि एडवांस दे आर गोइंग विद अ ग्रेट गन. तो सीएफ बनाते हैं 12 का 12 30 55 70 और 80 80 बाय 2 दैट इज 40 बराबर. अगर आप लोग देखेंगे राइट 40 भी इसमें शामिल होता है तो ये रहा. तो आपका मीडियन का क्लास कैसे डिसाइड करोगे, तो n बाय 2 40. CF आपका कहां पे आता है, तो कि 30 में कैपेसिटी नहीं है 40 की. तो ये आपका क्लास हुआ जिसका क्लास है 30 टू 40. जिनका आंसर राइट है तो राइट है बहुत सारे का राइट मैंने इनफैक्ट. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. नंबर 6 में प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए प्राइम नंबर इन ए सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 सिंगल थ्रो ऑफ ए डाई. सिंगल थ्रो मतलब टोटल 6 आया आउटकम, टोटल आउटकम 6. अब इसने बोला है प्राइम नंबर ढूंढो, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर. तो एक 2, एक 3 और एक 5. हेंस योर आंसर इज हाफ. 6 में आपका आंसर हाफ है. 7 भी यहां पे ही निपटा लेते हैं. ए कार्ड इज ड्रॉन एट अ रैंडम फ्रॉम द वेल सफर डेक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स. प्रोबेबिलिटी ऑफ द ड्रॉन कार्ड बीइंग अ ब्लैक फेस कार्ड. ब्लैक फेस कार्ड कितने होते हैं, ब्लैक फेस कार्ड, तो के 2 किंग 2 क्वीन और 2 जैक. टोटल ब्लैक फेस कार्ड. देखो स्पेड या तो क्लब नहीं पूछा है राइट, मतलब के 2 एंड 2 4 एंड 2 6 हुआ बराबर टोटल. अब ब्लैक कार्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फेस कार्ड इक्वल टू 6/52 3 टू जा, तो क्या आपका आंसर 3/26 है राइट. तो 3/26 मैनी ऑफ यू आर हैविंग सो दैट्स गुड. हम लोग इसका आगे चलते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन 8 से है अपना. हमारा दिवाली वेकेशन कल से है बराबर. अब देखते हैं आज गाला का पेपर कंप्लीट होता है या नहीं होता है. सर अगर हो जाता है तो कल क्या करवाओगे, आराम अपने अपने घर में. नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के बाद 8. आदित्य भी चल पड़ा. क्वेश्चन 8, सम ऑफ द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12. देखो दो ऑप्शन आ गए इसमें, एक 5/7 और एक 7/5. ओरली बताता हूं, ओरली राइट. 5 + 7 = 12, 7 + 5 = 12. अब उन लोगों ने क्या बोला है, डिनोमिनेटर इज इंक्रीज बाय 3, फ्रैक्शन बिकम हाफ. तो 7 + 3 = 10 हुआ, तो 5/10 मतलब कि हाफ आ गया, मतलब कि आपका आंसर ऑप्शन ए आएगा. बट सर ऐसे नहीं, पूरी मेथड से समझाओ. जैसे कि 2 मार्क का है, द सम ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज 12. अगर ये 2 मार्क में पूछा तो इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, फ्रैक्शन बिकम्स हाफ, देन फ्रैक्शन इज दिस.
ये ब्लैंक है, इसको दो मार्क में भी पूछ सकते हैं। बराबर निधि 23 कौन से सम का नंबर लिखो बेटा, नीचे नीचे 9 का। हाँ तो बराबर, लेट न्यूमरेटर बी एक्स डिनो मिनेटर बी वाई। पहला इक्वेशन बनाया एक्स प्लस वाई इक्वल टू 12। इफ द डिनोमिनेटर इंक्रीज बाय 3, वाई में 3 ऐड करो, फ्रैक्शन हो गया हाफ। दूसरा इक्वेशन तैयार, 2x इक्वल टू वाई प्लस 3, मतलब के 2x माइनस वाई इक्वल टू 3। इक्वेशन 2, आपको ये दो मार्क में भी पूछ सकते हैं भाई, मतलब के जो लोग डायरेक्ट डायलिंग वाले खास देखे हैं, सीडी पीसीओ वाले। 3x इक्वल टू 15, एक्स 5, कोई भी इक्वेशन में एक्स 5 रखने से जिन लोगों ने कल टेस्ट नहीं दी है और टेस्ट की प्रैक्टिस करें, मैंने बहुत सारे डिजिट चेंज किए थे, बहुत सारे डिजिट चेंज किए थे कंस्ट्रक्शन में, राइट पेपर है ही ग्रुप में, प्रैक्टिस करें। फ्रैक्शन क्या है, x अपॉन y, सर वो तो लिखो, तो के 5/7, पहला ऑप्शन ए। नेक्स्ट वन, अब देखो सम ऑफ द टू नंबर, सम ऑफ टू नंबर 30 एंड डिफरेंस कितना है 16, तो काफी ऑर्डिनरी है, एक्स प्लस वाई 30, डिफरेंस में वाई को छोटा लेते हैं 16, तो 2x इक्वल टू 46, एक्स आ गया 23, और छोटे में डाल दो तो छोटा भी तैयार हो गया, वाई इक्वल टू 7, छोटा 7 बड़ा 23, आप चाहे तो वाई को भी बड़ा ले सकते हैं, राइट इज दैट क्लियर। स्मॉलर नंबर इज 7 एंड बिगर नंबर इज, इसने कौन सा पूछा है स्मॉलर, तो टू बी वेरी प्रिसाइज वाई 7। नंबर 10, पेरीमीटर ऑफ ए ट्राइंगल हैविंग वर्टाइसिस 0, 0 एंड 3, 0 पेरीमीटर। चलो ए बी स्क्वायर ढूंढते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला से, 0 माइनस 0, 4 माइनस 0, 16, मतलब के ए बी आया 4। बहुत ये ट्राइंगल का है, ए बी 4 आएगा, बी सी 3 आएगा और ए सी 5 आएगा, 4 एंड 3 7 एंड 5 12 आ जाएगा आंसर, बराबर। बट ऐसे डायरेक्ट सभी को थोड़ी समझ में आता है, यहाँ पे किसी ने लिखा भी है कौन है 12 वाले, तो कैसा अर्थक है, वीर सेठ है, राइट निधि है, बहुत सारे हैं। 0 माइनस 3 द होल स्क्वायर, 0 माइनस 0 द होल स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, BC 3, CA का स्क्वायर 3 माइनस 0 द होल स्क्वायर, 0 माइनस 4 द होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर 9 प्लस 16 25, CA हो गया 5। अब आपका पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर राइट एंगल ट्राइंगल का 4 प्लस 3 प्लस 5 इक्वल टू 12 यूनिट। मैंने आपको ओरली समझा दिया, ग्राफ से भी आप फाइंड कर सकते हो। देखो ये ओरिजिन बी, ये आपका ए और ये आपका 3, ये देखो आपका 4 यूनिट, ये आपका 3 यूनिट, पाइथागोरस से 4 एंड 3 5, 4 प्लस 3 7 प्लस 12, ऐसा भी आप फाइंड कर सकते हैं। ये था आपका 12th। अब नंबर 11 इंपॉर्टेंट, जब मैं इंपॉर्टेंट लिखूं तो इंपॉर्टेंट होगा ही, बराबर। इफ साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 0, साइन 4 थीटा प्लस कॉस 4 थीटा
इक्वल टू डैश। अब देखो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा मतलब साइन इक्वल टू कॉस, बराबर, मतलब के साइन थीटा कॉस है तो साइन 90 माइनस थीटा, साइन साइन गया तो ऐसे कैंसिल मत करो, कंपेयर करो, 2 थीटा इक्वल टू 90, मतलब के थीटा आपका आ गया 45। वेरी इंपॉर्टेंट, कोई ऐसा कोई भी स्टूडेंट साइन के बदले कॉस नहीं रखे, कॉस 4 प्लस कॉस 4 2 कॉस 4 आंसर लाएंगे, ऑप्शन में होगा ही नहीं और ये वैलिडिटी भी नहीं है। अब देखो साइन 4 45 प्लस कॉस 4 45, 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4 प्लस 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4 करे तो कितना होता है, 1 अपॉन रूट 2 का पावर 4 करे तो कितना होता है, तो के 1/4 सर, और ये भी 1/4, एलसीएम लेंगे 1 प्लस 1 2/4, आंसर इज व्हाट, हाफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। अब मैं रब कर दूं पहले क्वेश्चन नंबर 12। PQ is a tangent to a circle with center O. At point P. Triangle OPQ is an isosceles triangle. Then angle OQP. कोई बात हुई क्या? Now, as OP equal to PQ, measure angle OPQ is 90 because OP is perpendicular to PQ. बराबर? OP is perpendicular to क्या है? PQ. Therefore, अगर आप लोग देखेंगे OP और PQ सेम है, मतलब के POQ is congruent to PQO, मतलब के मेजर O प्लस मेजर P प्लस मेजर Q, ऐसा समझाना पड़ता है वरना मुझे भी पता है बच्चों के ये टू मेजर एंगल कौन सा पूछा है उन लोगों ने, OQP ये पूछा है, तो टू O के बदले Q लिख दे, लिखो P के बदले 90 लिखो, इक्वल टू 180, Q के बदले Q, तो मैंने लिख दिया एक Q ये और एक Q ये, टू मेजर एंगल Q इक्वल टू 90, हेंस मेजर Q इक्वल टू 45, दैट इज मेजर PQO इक्वल टू 45। अगर आपको POQ पूछा है तो भी आपका कितना आएगा, 45 ही आएगा, बराबर। अब चलते हैं हम लोग 13। एरिया ऑफ सर्कल अभी तक चलाया नहीं है, चलाना बाकी है। एरिया ऑफ सर्कल पाई आर स्क्वायर विथ रेडियस आर इज सेम एज द सम ऑफ द एरिया ऑफ पाई आर वन स्क्वायर प्लस पाई आर टू स्क्वायर। वेरी सिंपल, आपको रिलेशन आर आर वन और आर टू के बीच में फाइंड करना है तो पाई कॉमन। वेरी सिंपल हो गया आपका रिलेशन, देयरफॉर आर स्क्वायर इज इक्वल टू आर वन स्क्वायर प्लस आर टू स्क्वायर। रिलेशन वेरी ऑर्डिनरी था तो कर दिया, बराबर। इसके बाद वाला 14 टाइम का मैसेज आ गया है बच्चों, 14 चैप्टर 13 लेटर ऑन करेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डिफेक्टिव शर्ट इन ए लॉट ऑफ 400 शर्ट, प्रोबेबिलिटी दे दी है, बराबर। तो फाइंड द नंबर ऑफ डिफेक्टिव शर्ट, तो प्रोबेबिलिटी
ऑफ डिफेक्टिव शर्ट इक्वल टू डिफेक्टिव शर्ट अपॉन टोटल शर्ट। प्रोबेबिलिटी बता दी है 0.035। हमको चाहिए डिफेक्टिव शर्ट ऊपर वाला, और टोटल कितने शर्ट दिए हैं 400। 35/1000 इंटू 400 इक्वल टू डिफेक्टिव, 20 गया 20 गया राइट। 7 and 2 कितने शर्ट है 14 शर्ट्स, बराबर डिफेक्टिव शर्ट, डिफेक्टिव शर्ट। नंबर 16 देखो, नंबर 16 इफ पी ऑफ ए एक्स अपॉन 3, ऐसे भी अभी तो दो तीन बार आ चुके हैं ऐसे सम, 2/5 फाइंड एक्स। तो चलो ये भी लोग लेके आए हैं, पी ए प्लस पी ए बार इक्वल टू 1। पी ए है एक्स अपॉन 3 प्लस 2/5 इक्वल टू 1। एलसीएम रहेगा 5 × 15, 5x + 6 इक्वल टू 1। 15 को उस तरफ ले जाओ, 5x + 6 इक्वल टू 15। 6 को इस तरफ ले जाओ, 5x इक्वल टू 9। मतलब के x इक्वल टू आपका क्या आएगा, 9/5, जो उन लोगों ने ढूंढने के लिए बोला है। सेक्शन बी का शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 से, बराबर आज जितना होगा सेक्शन बी इतना ठीक, नहीं तो कल तो है ही, और फिर बाद में सेक्शन बी 17 स्वीट सेलर 420 काजू बर्फी, दिवाली आ रही है, 130 बादाम बर्फी, वाओ, सी वॉन्ट्स टू स्टैक देम, स्टैक देम मतलब एक दूसरे के ऊपर पाइल्स अप करना, राइट, अरेंज करना, इन सच ए वे द स्टैक है सेम नंबर ऑफ बर्फी एंड द स्टैक ऑफ द लिस्ट एरिया ऑफ द ट्रे, व्हाट इज द नंबर ऑफ बर्फी दैट कैन बी प्लेस इन ईच स्टैक फॉर दिस पर्पस। आप मुझे बताओ कि इसमें मैं एलसीएम लू के एचसीएफ लू, मैं एलसीएम लू के एचसीएफ, ओके 420 और यहां पे 130। चलो तो मैं यूक्लिडियन मेथड ही इस्तेमाल करूं, 130 थ्री जा 390 30। वी नीड टू फाइंड HCF टू पुट देम इन ए स्टैक, बराबर। चलो काफी कम टाइम रह गया है, 130 34 and 30 10 × 3 आपका HCF, ऐसे कितने स्टैक होंगे तो के 10, सच 10 स्टैक्स विल बी देयर, बराबर। एक और आया है, यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा, यूज यूक्लिड डिवीजन ऑफ लेमा to show that square of any positive integer is either in the form of 3m or 3m plus 1 for some integer m, square of any positive integer, right? आप square of any positive integer
अगर आप लेना चाहे तो 4k ले सकते हैं, 2k ले सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे कौन से फॉर्म में है, 3m के फॉर्म में है। a इक्वल टू बी क्यू प्लस आर आपके पास है, हम लोग ले लेते हैं a इक्वल टू 3q, राइट। या तो 0 इज लेस देन b इज लेस देन r, क्या ये बराबर है? मैंने लिखा कि गलत है, वो जरा बताना पड़ेगा आपको क्योंकि मैं भूल जाता हूँ कभी कभार। 0 इज लेस देन b लेस देन r है कि 0 इज लेस देन इक्वल टू r है, राइट। बताओ बताओ क्या ये सही है, ये सही है कि ये सही है, विच वन इज राइट, लिख के बताओ, टाइम पास कर रहा हूं मैं। आप बोलते ही नहीं है भाई, आप लोग कौन, सब चले गए क्या? आर आएगा पहले, मतलब ऐसा, अब बराबर है, जीरो इज लेस देन और इक्वल टू है कि ऐसा है। चलो भाई, आपको पूछते पूछते अपना टाइम खत्म हो जाएगा। 3q, राइट, आपका बी 3 है तो कितना आएगा आर 0, 1 एंड 2। चलो भाई चलो फटाफट 0, 1 एंड 2, राइट। तो आपका a इक्वल टू 3q व्हेन r इक्वल टू 0, r इक्वल टू 1 है तो क्या आएगा 3q प्लस 1, और r इक्वल टू क्या है 3q प्लस 2। अब लेस देन अ मिनट है, आप लोग कर लेना, ए स्क्वायर इक्वल टू 9q स्क्वायर, 3 इंटू 3q स्क्वायर तो 3m, ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 1 द होल स्क्वायर, 9q स्क्वायर प्लस 3 टू 6q प्लस 1, 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 2q प्लस 1, मतलब कि ये आया आपका 3m प्लस 1, राइट। और लास्ट में ए स्क्वायर इक्वल टू 3q प्लस 2 द होल स्क्वायर, मतलब के 9q स्क्वायर 3 टू 6 टू 12q प्लस 4, राइट, 9q मतलब 3 कॉमन, राइट, 3q स्क्वायर प्लस 4q प्लस, राइट, यहाँ पे 4 है पर 3 प्लस 1 लेंगे तो प्लस 1, हेंस 3 इंटू 3m, मतलब कि ये आपका m आ गया तो 3m प्लस 1। यहां देखो 3 कॉमन 3q स्क्वायर प्लस 3 टू 6, इसको मैं m ले लेता हूं, सम इंटीजर m प्लस 1। यहां देखो, ये अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो 3 3 जा 3 4 जा 3 1 जा n प्लस 1, मतलब 4 हो गया आपका, ये 3m प्लस 1, मतलब इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m प्लस 1, या तो इट इज इन द फॉर्म ऑफ 3m। ये आपका क्वेश्चन राइट स्टार्ट हो गया। अब 18 के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कल शायद एक मीटिंग जितना ही अपना बाकी रहेगा, मुझे ऐसा लगता है, ओनली अप टू 1 मीटिंग, नंबर 19। हलीमा बचाओ, देखो अंदर लिखा है, इंडिविजुअल मैसेज है, सेक्शन सी एंड सेक्शन डी ऑफ गाला जो मैंने वीडियो बना के भेजा था, कई लोगों ने तो वीडियो देखा नहीं है, वीडियो देखो ना भाई, आप लोगों को क्या प्रॉब्लम है। फॉर्म अ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल हूज जीरोस 7 प्लस रूट 5 एंड 7 माइनस रूट 5। आपके पास पॉलीनोमियल पूछा है इक्वेशन ने, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा,
अगर आप देखेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस रूट फाइव प्लस सेवन माइनस रूट फाइव इंटू एक्स, सेवन प्लस रूट फाइव इंटू सेवन माइनस रूट फाइव इक्वल टू जीरो मत लिखना, इक्वेशन हो तो ही लिख सकते हैं, बराबर। तो अगर आप देखेंगे तो ये गया एक्स स्क्वायर माइनस सेवन प्लस सेवन फोर्टीन, सेवन का स्क्वायर फोर्टी नाइन माइनस रूट फाइव का स्क्वायर फाइव, हेंस आपका पॉलीनोमियल एक्स स्क्वायर माइनस फोर्टीन एक्स प्लस फोर्टी फोर, डोंट राइट जीरो, इट इज पी एक्स। क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल है, पॉलीनोमियल है तो जीरो नहीं लिखना है, बराबर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20। टेन अपॉन टू एक्स प्लस वाई, थ्री अपॉन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री, फिफ्टीन अपॉन टू एक्स प्लस वाई, नाइन अपॉन, बराबर। चलो लेट वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू एम, एम एन ले लेते हैं, ए बी भी ले सकते हैं आप, अपनी अपनी मर्जी है, राइट। तो टेन एम प्लस थ्री एन इक्वल टू थ्री इक्वेशन वन, फिफ्टीन एम प्लस नाइन एन इक्वल टू सिक्स इक्वेशन टू, बराबर। ये कब हम लोग सपोज कर सकते हैं, जब दोनों जगह सेम हो तो ही, बराबर। अब यहां पे आप लोग देखें तो तीन 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 कॉमन निकाल सकते हैं इसमें, पहले में नहीं दूसरे में, दूसरे में अगर थ्री कॉमन निकाल देते हैं तो फाइव एम प्लस थ्री एन इक्वल टू सिक्स है, तो मतलब के टू, तो आपका दूसरा इक्वेशन आ गया फाइव एम प्लस थ्री एन इक्वल टू टू, और पहला इक्वेशन है आपका टेन एम प्लस थ्री एन इक्वल टू थ्री, माइनस 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 फाइव एम इक्वल टू माइनस वन, एम बन गया वन बाई फाइव। कोई एक इक्वेशन में पहले वाले दूसरे वाले नहीं रख देते हैं, फाइव इंटू वन अपॉन फाइव प्लस थ्री एन इक्वल टू टू, फाइव फाइव कट ये वन उस तरफ गया तो थ्री एन, टू माइनस वन मतलब वन, एन आया वन अपॉन थ्री, बराबर। तो अब हम लोग सपोज करते हैं वन अपॉन टू एक्स प्लस वाई जो आपका एम है और एम की वैल्यू वन अपॉन फाइव है, दैट मीन्स टू एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो गया फाइव। यहां पे एन अपॉन वन अपॉन, तो वन अपॉन टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू एन इक्वल टू वन अपॉन थ्री है, मतलब के इसको कंपेयर करो तो टू एक्स माइनस वाई इक्वल टू थ्री हो गया, राइट। टू प्लस टू फोर एक्स इक्वल टू एट, एक्स बन गया टू, और किसी में भी टू डाल दो पहले या दूसरे इक्वेशन में तो ये फोर उस तरफ जाके वाई वन, हेंस योर आंसर एक्स टू वाई वन इज इट ट्रू, तो के यस टू कॉमा वन इज द राइट आंसर। 20 तक हुआ, कल भी होमवर्क दू ना, कल होमवर्क दू के नहीं दू, छह पेपर दिए हैं आपको 12 दिन के, काफी है, इज़न्ट इट। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंबर 20 का और है। आफ्ताब टेल हिज डॉटर, सेवन इयर्स अगो आई वॉज सेवन टाइम एज ओल्ड एज यू वर देन, ऑल्सो थ्री इयर्स फ्रॉम नाउ आई शैल बी थ्री टाइम एज ओल्ड एज यू विल बी, फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस। लेट द प्रेजेंट एज ऑफ
कौन कौन है? आफ्ताब, बी एक्स हियर एंड आफ्ताब्स डॉटर, आफ्ताब की लड़की, बी वाई ईयर्स। आफ्ताब ने उसकी लड़की को बताया सेवन इयर्स अगो, एज ऑफ आफ्ताब वॉज एक्स माइनस सेवन एंड डॉटर वाई माइनस सेवन, सेवन इयर्स अगो। तो केस नंबर वन क्या होता है? अकॉर्डिंग टू डेटा, 7 साल पहले की यह बात है, आफ्ताब उसकी लड़की से कितने गुना ज्यादा था? आई वॉज 7 टाइम एज ओल्ड यू एज वर एट ए टाइम, 7 टाइम्स एक्स माइनस सेवन, सेवन वाई माइनस 49, इक्वेशन बनेगा एक्स माइनस सेवन वाई इक्वल टू माइनस सेवन, उस तरफ जाके इक्वेशन बना देगा माइनस 42। अगर मैं राइट हूं तो देखना, क्या बताओ आंसर भी आ गया? वाह वाह। अब कितने साल के बाद की बात है? 3 years फ्रॉम नाउ, 3 years हेंस, या तो आफ्टर वर्ड 3 years हेंस, एज ऑफ आफ्ताब विल बी एक्स प्लस 3, डॉटर वाई प्लस 3। डॉटर भी बढ़ेगी ना, वो वहां की वहां थोड़ी रहेगी। केस टू क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू दैट आफ्ताब उसकी लड़की से कितने साल ज्यादा है? तो आई सेल बी 3 times, तो एक्स प्लस 3 इक्वल टू 3y प्लस 9, एक्स माइनस 3y इक्वल टू 6, इक्वेशन नंबर 2। अपने पास दो दो इक्वेशन आ गए, देखना है कि क्या अपना आंसर राइट आता है कि नहीं आता है। सर छेड़खानी मत करो, ये 1 है और ये 2 है। माइनस प्लस माइनस, माइनस 4y इक्वल टू माइनस 48, बच्ची की एज 12 साल, एज ऑफ डॉटर। तो पापा की एज देखते हैं, पापा पापा कहते हैं, बड़ा नाम करेंगे, तो पापा की एज 42 years और डॉटर की एज 12 years, इज दैट क्लियर? डॉटर 12, आफ्ताब 12, सॉरी आफ्ताब 42। यहां पे आपका एक त्रिकोण स्टार्ट हो रहा है, 21 नंबर का क्वेश्चन। लेट्स हैव अ लुक एट दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, गिवन 10a इक्वल टू 4/3, फाइंड अदर ट्रिगोनोमेट्री रेशियोज ऑफ एंगल ए। चलो ठीक, मैं फॉर्मूला मेथड से ही जाऊंगा और ट्राइंगल मेथड से नहीं जाऊंगा। 10a cot a, cot is a inverse of 10, बराबर। अब sec square a इक्वल टू क्या हो गया? तो 1 plus 10 square a, देखते जाना, 1 plus 4/3 द होल स्क्वायर, 16/9, 9 ones are 9, 25/9,
मतलब के सेके आपका आया 5/3, सेके 5/3 चेक करो राइट, तो कौसे उसका उल्टा होगा, देयरफॉर कासे इज इनवर्स ऑफ सेके, मतलब के आंसर आएगा 3/5। चलो कॉटे आ गया, कौसे आ गया, अब हम लोग देखेंगे राइट कॉटे से कॉसेक स्क्वेयरिंग, कॉट स्क्वेयर सब फॉर्मूला से आपका राइट नाता टूटे नहीं, इसीलिए 3/4 द होल स्क्वायर प्लस 1 25/16, मतलब के आपका कॉसेक स्क्वायर ए का स्क्वायर रूट निकलेगा 5/4, हेंस साइन इज ए इनवर्स ऑफ कॉसेक, तो आपका आंसर आएगा 4/5। सब चेक कर लो, 4/3, 4/3, 3/4, सभी का आंसर आ गया, साइन ए आया, कॉसेक आया, कॉटे आया, टेने तो खुद दिया है, सेके आया और कॉसे आया, ऑल सिक्स हो गए, तो कि ऑल सिक्स डिमेंशन बराबर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट। इफ थीटा इज एन एक्यूट एंगल, टेन थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ 10 रेस टू 12 थीटा प्लस कॉट रेस टू 12 थीटा। कल पक्का एक ही मीटिंग होगी, 30 मिनट्स में तो हम लोग लुड़का देंगे बाकी का ना, वेरी इंपॉर्टेंट। सब लोग यहां देखे, 10 इज व्हाट, तो के 10 इज 10, हम लोग इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट 10 स्टार सम दे देते हैं, 10 थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2, सम देखते जाना, यहां पे कितना भी चेंज करे राइट आपका आंसर आ ही जाना चाहिए। एलसीएम 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1/10 थीटा इक्वल टू 2, तो 10 स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 2/10 थीटा, देयरफॉर 10 स्क्वायर थीटा माइनस 2/10 थीटा प्लस 1 इक्वल टू 0। कई बच्चों को अभी भी ख्याल में नहीं आता है कि ये डिवीजन में ले जाए कि प्लस, यहां प्लस है बराबर, तो उस तरफ से उसको माइनस करना है, वहां मल्टीप्लीकेशन है तो डिवीजन करना है ऐसा बराबर। ये परफेक्ट स्क्वायर हुआ, ये आपका ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस 1b स्क्वायर हुआ, मींस ए माइनस बी द होल स्क्वायर हुआ, मतलब कि आपका 10 थीटा माइनस 1 द होल स्क्वायर इक्वल टू 0, मतलब कि 10 थीटा माइनस 1 इक्वल टू 0, आपकी 10 की वैल्यू आ गई 1, 10 की वैल्यू 1 है तो कॉट इसका इनवर्स है, कॉट इज इनवर्स ऑफ दैट, तो कॉट भी कितना आएगा 1 ही आएगा। अब पावर कितना भी हो, 12 हो, 13 हो, 7 हो, मैंने आगे करवाया था ये राइट, कितना भी पावर हो याद रखना, 101 हो, 37 हो, 51 हो, 1 का पावर कितना भी हो 1 ही रहता है, माइनस 1 नहीं है वो अच्छी बात है, तो 1 प्लस 1 ऑलवेज आंसर 2। अगले साल जो लोग साइंस लेने वाले हैं, एक थियरी आएगी 10 थीटा प्लस कॉट थीटा इक्वल टू 2, देन 10 रेस टू द पावर n प्लस कॉट रेस टू द पावर n ऑल्सो 2 बराबर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको मैंने राइट इंपॉर्टेंट बताया है। अब हम लोग 22 का ऑप्शन में जाएंगे बराबर, आइडेंटिटी यूज करके एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करना है, तो लेट्स हैव अ लुक एट दिस। क्वेश्चन 22, बड़ा क्वेश्चन है, टेक्स्ट बुक का ही है, रूल
दैट साइन माइनस कॉस प्लस वन, साइन प्लस कॉस माइनस वन। टेक्स्ट बुक का इलस्ट्रेशन है नंबर 15, लेफ्ट हैंड साइड से स्टार्ट होता है, राइट हैंड साइड पे खत्म होता है। उसने ऐसा भी लिखा है यूजिंग आइडेंटिटी, अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, नहीं करना हो तो नहीं भी कर सकते, आइडेंटिटी का ऐसा है, बराबर। टेक केयर। तो अब आपका बड़ा क्वेश्चन स्टार्ट, डिवाइडिंग बाय कॉस ऑन अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, वन बाय कॉस नीचे, साइन अपॉन कॉस प्लस कॉस अपॉन कॉस। बहुत बार किया है ये सम, बट जो लोग मीटिंग में आए दिन बैठते नहीं है, जो नए नवेले हैं, उनको तो ये नया ही सम लगेगा। अदरवाइज वी हैव डन मिनिमम ऑफ 6 टाइम, मेरे 6 से 7 वीडियो में ये सम मिलेगा। साइन अपॉन कॉस मतलब हो गया 10 माइनस 1 प्लस 10, नीचे है आपका 10 प्लस 1 माइनस 10। अब जरा ध्यान से देखो तो इसको मैं सेक प्लस 10 माइनस 1 लिखता हूं, नीचे कुछ भी नहीं चेंज करता हूं एस सच, क्योंकि हमको डिनोमिनेटर निकालना है। अब जो उन लोगों ने लिखा है ना यूज आइडेंटिटी, आइडेंटिटी का यूज करते हैं 1 की आइडेंटिटी, सेक प्लस 10 1 की आइडेंटिटी यूज करे तो बाहर माइनस सेक स्क्वायर माइनस 10 स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 1, और नीचे नहीं लेना है, माइंड वेल ऑलवेज कीप रिमेम्बर, क्योंकि ये कैंसिल होगा। अब sec थीटा प्लस 10 थीटा माइनस, इसके दो फैक्टर होते हैं sec प्लस 10 sec माइनस 10, बहुत ही अच्छा सम है, इसको भी मैं 10 स्टार दूंगा, ये रिड्यूस कोर्स है बट फिर भी अगले साल पक्का इसको आप देखेंगे 101%। मेरे इस साल के बच्चे बोल रहे हैं, हर साल बोलते हैं 10 प्लस 1 माइनस 10। मैं आपको आगे भी समझा चुका हूं ये ए ए बी, तो लाल पेन से आगे समझाता था ए माइनस ए बी, तो ए कॉमन 1 माइनस बी, व्हाट इज ए, तो कि ए कॉमन सेक थीटा प्लस 10 थीटा, ए कॉमन निकल गया तो ब्रैकेट में क्या आएगा तो कि 1 माइनस बी, बी को माइनस करो तो सेक थीटा माइनस और 10 थीटा प्लस। अब आप चेक करो तो नीचे वाले के साथ उसका मरना तय है, 10 प्लस 1 माइनस सेक इट इज डेफिनेटली कैंसल। तो आपका आंसर क्या आया, सर आपका आंसर नहीं आया, आप ऐसा बोलेंगे सेक प्लस 10, बट नीचे 1 की आइडेंटिटी या तो कॉन्जुगेट ले लेते हैं, कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट में है ऊपर नीचे सेक माइनस 10, नीचे भी सेक माइनस 10 बराबर। ऊपर देखो a प्लस बी a माइनस बी, ऊपर आया sec स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा और नीचे sec माइनस 10, तो आपका आंसर तैयार, दिस इज व्हाट 1 अपॉन sec माइनस 10, हेंस दिस इज योर RHS सो फार द बेस्ट सम इलास्ट्रेशन राइट ऑफ दिस वन। धीरे धीरे बच्चे निकल जा रहे हैं, उनको कोई पड़ी नहीं है, ना उनको पेरेंट्स को ना उनको राइट, और स्कूल की तलाश में रहते हैं। जो लोग स्कूल का न्यूज पढ़ते हैं, जो आंध्र प्रदेश में 815 टीचर्स एंड 592 स्टूडेंट्स दे हैव बीन अफेक्टेड बाय कोरोना, इवन इन दिल्ली इट सीम्स टू बी, जैसे स्कूल खोलेंगे ऐसे ही लफड़े होने वाले हैं, दैट इज श्योर। ये साल ऑनलाइन ही पढ़ा करो एंड एंजॉय करो, दोज़ हू अनेबल टू एंजॉय ऑन ऑनलाइन वो जिंदगी में कहीं पे भी एंजॉय नहीं कर सकते। नंबर 23, एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल विद सेंटर ओ,
एक्स वाई इज ए टेंजेंट टू ए सर्कल इज सेंटर ऑफ टचिंग द सर्कल एट वाई वाई ओ एक्स 61 है एंड डायामीटर ऑफ द सर्कल इज 22 मतलब ये 11 है. अगर डायामीटर 22 है तो रेडियस 11 आपको फाइंड करना है एक्स वाई. वेरी सिंपल. सब बोलते बंद हो गए कि भाग गए कि खाने बैठे हैं. कोई आंसर नहीं आ रहा है टू के बाद. न सार्थक का न निधि का किसी का. सब खाने बैठ गए लगते हैं. ओ वाई परपेंडिकुलर टू एक्स वाई. ओ वाई दैट्स वाई मेजर एंगल ओ वाई एक्स 90. जहां देखो पाइथागोरस, जहां देखो पाइथागोरस. तो चलते हैं पाइथागोरस पे. ओ एक्स स्क्वायर इक्वल टू ओ वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर अकॉर्डिंग टू पाइथा. पाइथागोरस के थ्योरम का दूसरा नाम बोधियान थ्योरम भी है. ओ एक्स स्क्वायर 61 का स्क्वायर, ओ वाई स्क्वायर आपका 11 का स्क्वायर है. तो आपका एक ट्रिपलेट है 11 60 एंड 61 जिनको पता है थोड़ा बहुत. तो 61 स्क्वायर माइनस 11 स्क्वायर एक बार प्लस एक बार माइनस. राइट 72 एंड 60 बराबर. अगर आप देखें तो बराबर क्या ये 60 का स्क्वायर रूट है 61. चलो 61 22 ही डायमीटर है ना. डायमीटर ऑफ द सर्कल 22. राइट तो आंसर आपका आ जाएगा कितना 61 ओ एक्स. ओके फाइन. जिसको ऐसा लगे तो 61 का स्क्वायर करो भाई बराबर. थ्री सिक्स टू वन आया. और 60 का स्क्वायर करेंगे 11 का सॉरी हाँ. तो यहां पे ऐसा चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सेंटीमीटर ट्रिपलेट है 23 के बाद चल पड़ते हैं 24. हो नेक्स्ट क्वेश्चन 23.